तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक कंटिन्यूइंग गेम प्ले सीरीज GTA San Andreas में। तो लास्ट वाला एपिसोड में आपको याद होगा हमें भाई धोखा मिला था, धोखा अपने ही भाइयों से, अपने ही मतलब घनिष्ठ मित्रों से, अपने ही जिन्हें कह देते ना फैमिली मेम्बर से, उनसे हमें धोखा मिला था भाई। यहाँ पे बिग स्मोक और राइडर, इन दोनों पे तो पहले से ही शक था मेरे को और उनने शक बिल्कुल सही साबित कर दिया। वो भाई धोखेबाज निकले, बेलास गैंग से और टेन पैनी से उनने हाथ मिला लिया था और वो सारा षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचने लग गए थे। तो भाई उनने भाई यही काम करा और भाई यहाँ पे स्वीट को जेल में भिजवा दिया और मेरे को तो भाई टेन पैनी ने बचा लिया था। बचाया क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ पे लाके ठूस दिया। आप देखो मैप दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट, ये देखो मैप, यहाँ पे ये लॉस सैंटोस, यहाँ से उठा के मेरे को यहाँ रख दिया इनने भाई टेन पैनी ने, कहा कि यहीं पर और अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो भाई तेरे लिए मुसीबत होगी, मैंने तो तेरे को यहाँ पे सेव कर दिया है, तू मेरे लिए यहाँ पे मिशन कर, अपनी कमाई कर, जिंदगी यहीं बिता। तो भाई यहाँ पे लास्ट वाला उसका एक मिशन कर लिया था और इसी के साथ हमारा लास्ट वाला एपिसोड होता है कंप्लीट। आज हम बढ़ेंगे अपने न्यू एपिसोड में, तो वेलकम यू ऑल टू अवर कंटिन्यूइंग गेम ऑफ GTA San Andreas। तो आज मैं भाई एक बार उतर लूँ यार, फोन आने लग रहा था यहाँ पे किसी का, भाई फोन आते ही आ गया। तो यहाँ पे फोन उठाऊँ, देखो किसका फोन है, और यहाँ पे सीजर का फोन है भाई। सीजर कह रहा है कि कैसा है तुम, मैं कह रहा है, वो कहने लग रहा है भाई मैं तेरे लिए भाई बहुत चिंतित था वो, और भाई तेरे साथ मैंने सुना कुछ अनहोनी हो गई, मैं उसे बताने लग रहा हूँ हाँ भाई अनहोनी हो गई और मैं ये कहीं यहाँ वेट स्टोन में आ गया, पता नहीं कहाँ है ये। वो कह रहा है हाँ मेरे को नहीं पता, लेकिन वहाँ पे मेरा कज़न रहता है, उससे जाके मिल लियो भाई, वो तेरी कोई मदद वदद कर सकता है वहाँ पे। और भाई मैं उसे बोल रहा हूँ कि भाई कैंडल का ध्यान रखिए और अगर कोई मतलब न्यूज़ मिले तो मेरे को बताते रहिए। वो कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं तेरे को न्यूज़ बताते रहूँगा, और भाई मेरे कज़न से जाके मिल लियो भाई, वो यहाँ की कंट्री की ना मतलब गुंडी है, यूँ क्यों यूँ कहने लग रहा है मेरे को, तो उससे जाके हम मिल लेते हैं भाई, कज़न है उसकी एक, तो उससे जाके मिलना पड़ेगा। लेकिन वो है कहाँ पर, उसने मेरे को बताया कि रेड कॉर्नर पर, रेड कॉर्नर कहाँ है ये मुझे नहीं पता। अबे रेड कॉर्नर कहाँ है यार ये तो बता दो, एक मिनट ढूंढना पड़ेगा मेरे को रेड कॉर्नर कहाँ है। अबे यार रेड कॉर्नर कहाँ है भाई, ओ भयंकर इतना दूर जाना पड़ेगा क्या मेरे को, मैप में ही होगा यार कहीं। अबे वो रहा वो क्वेश्चन मार्क, एक मिनट उस साइड कहीं क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे, वो ये रहा। तो यहाँ पे मेरे, ओ भाई कितना लंबा रूट है भाई, ये इतना लंबा रूट भी हो सकता है क्या। तो यहीं से चलता हूँ और क्या ही करूँ यार मैं, अरे छोड़ यार इतना क्यों टेंशन लेना भाई, इतना लंबा रूट है तो क्या हो गया, जा नहीं सकते क्या। लॉस सैंटोस जाने से मना करा है यहाँ पे, ये जो भी है रेड कॉर्नर यहाँ पे जाने थोड़ा ना मना करा है, ओके इधर जाना है। तो यहाँ पे भाई सीजर ने मेरे को फ़ोन करा, उसे भी पता लग गया भाई हमारे बारे में खबर भाई। यहाँ पे मेरे को लग रहा है भाई ग्रू स्ट्रीट जो हमारी गैंग है वो पूरी तरह से भाई ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि भाई वो तो बेलास से जाके मिल चुके हैं ना, या तो अपने लिए वो ग्रू स्ट्रीट चला रहे होंगे वो ये बेलास से मिल भुल के, और नहीं तो भाई यहाँ पे अपना भाई कुछ उनने भाई बेलास से मिल के अपना अपनी बेलास गैंग में ही भाई शामिल हो गए होंगे, अपनी क्या होती है उनकी बेलास गैंग से शामिल हो गए होंगे, यही हुआ होगा मेरे हिसाब से, तो और कुछ तो हुआ नहीं होगा, या तो भाई पैसे कमा के कहीं और अपना रह रहे होंगे। अबे यहाँ पे तो ब्रिज था, गायब कैसे हो गया भाई, भाई भाई अरे मुझे जाना है, अबे ब्रिज था यार यहाँ पे गायब क्यों हो गया वो, अबे यार ये क्या है, हेलुसिनेशन होने लग रही है मेरे को, एक धोखा, वो रहा ब्रिज आ गया भाई, ब्रिज वेलकम ब्रिज, तो ब्रिज यहाँ पे आ गया मेरे, अबे ओ भाई ये डरावने वाले हरकतें ना करे कर ब्रिज। तो यहाँ पे मैं जल्दी से चलता हूँ भाई, यहाँ पे भाई उसकी कज़न से मिलने के लिए, उसने मेरे को बोला वो यहाँ के गुंडे वंडे हैं और उनसे मिल लेगा तो बढ़िया रहेगा, चलो मिल के देख लेते हैं एक बार क्या है मामला। और यहाँ पे मैं गलत आ गया क्या, नहीं यहाँ से भी रास्ता जा रहा है, तो यहीं से चलते हैं अपना बढ़िया करके। और भाई और मैं क्या ही बताऊँ आपको यार, इतना बड़ा और स्वीट के मैं आपको बता दें तो भाई स्वीट जेल में है, और यहाँ पे टेन पैनी ने मेरे से बोला है कि भाई देख स्वीट को अगर ज़िंदा रखना है ना तेरे को हमारे लिए मिशन करना ही पड़ेगा, मतलब एक तरह से उसने हमारी जान भी बचाई और उस तरह से उसने अपना फ़ायदा भी निकलवा लिया, तो मतलब वही है अपना फ़ायदे के लिए देखा है उसने, कोई हमारे लिए इतना ज़्यादा सोचा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है यार चलो जिंदा तो बच गए हम, कम से कम कुछ मतलब षड्यंत्र रच के उसको टपका के उसको और रास्ते से हटा के अपना कुछ देख सकते हैं यहाँ पे ना, अपने भाई को बचाऊंगा। अभी तो भाई कैंडल और सीजर की मेरे को चिंता हो रही थी, क्योंकि सीजर का फ़ोन आया था तो और किसके बारे में ही पूछूंगा, तो मैंने उसे बोल दिया कि भाई कैंडल का ध्यान रखियो, अपने पास रखियो बढ़िया करके ना, और यहाँ पर उसने बोला हाँ मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन तू ना ले। और यहाँ पर भाई मैं कहाँ गया, ओके मेरे को इधर जाना है, अबे किधर जाना है यार तुम कहीं भी घुमा दोगे क्या, अबे यार इधर से चलता हूँ, एक काम करता हूँ और ये वाली रोड आगे से ले लूँगा मैं, ये कोई ओपनिंग नहीं है क्या, अबे यार इसे खोलो यार तुम, ओ भाई भाई क्या ठोकर मारी, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी यहाँ से मेरे को जाना है, ओके ब्रिज के ऊपर से जाना है मेरे को, मैं गलत आ गया था। तो यहाँ पर भाई कितना दूर है भाई, इसकी कज़न यूँ तो बोल रहा था जैसे घर के पास, अबे नीचे, अबे यार चलो ये फालतू में क्यों मैं हटक दे रहा हूँ अपने आप को, तो यूँ बोलने लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बगल में ही है वहाँ से इंडियो से भाई, यहाँ पे मेरे को आधी सिटी इसने पार करवा दी, अब मुड़ना है यहाँ पे मेरे को, चलो जल्दी से चलते हैं यार वहीं पे पहुँच के मैं आपको फ़ोन करता हूँ।
तो यहाँ पे भाई उसके मोहल्ले में पहुँच गया भाई, उसके बस्ती में पहुँच गया। ये है उसकी बस्ती भाई, उसकी कज़न की। तो यहाँ पे जाके उससे मिलता है भाई जल्दी से, और उसने लोकेशन तो दे दिया भाई यहाँ पे, पता नहीं कि क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रखा है। तो उससे जाके जल्दी से मिलता हूँ, इस तरफ है। ओके ओके, किस तरफ किस तरफ, ये भाई ये है सामने। यहाँ पे जल्दी से जाके उससे मिल लेता हूँ, इससे पहले ही कोई पुलिस वाला देख ले मेरे को भाई। यहाँ पे दोबारा से फ़ोन आ गया, एक बार फ़ोन उठाऊँ देखो किसका फ़ोन आ रखा है। और यहाँ पे स्वीट का फोन आया भाई, क्या बात है। और स्वीट मेरे को बोल रहा है कैसा है, तो मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक हूँ, तू कैसा। वो कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्रिजन हॉस्पिटल प्रिजन में हूँ। और मैं उससे बोल रहा हूँ भाई कैंडल का ध्यान रखियो, कह रहा है हाँ मैं ध्यान रखूँगा। अबे यार ये, अबे यार वो देखो जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। रुक जा तेरी बाइक लूँ मैं, हट जा। अबे वो हैंगर, ये क्या, वो भाई साहब ये तो पुलिस वाली बाइक है, छोड़ो मुझे चाहिए ही नहीं पुलिस वाली, मतलब मॉडिफाई वोडिफाई बिना के। तो यहाँ पे मैं जल्दी से उसके कज़न से मिलने चलता हूँ, और ये मैं आ चुका। अबे कज़न उसकी लड़की है, और यहाँ पे डाका डाल रखी है, और यहाँ पे भाई चाकू से सबको भाई यहाँ पे रोक रखी है। और ये मेरे से पूछे तू है कौन, मैं बोल रहा हूँ बस मैं यहाँ पे अपने कज़न से मिलने, अपने दोस्त के कज़न से। अच्छा ये बोल रही है मेरे को, वो तो मुझे बोल रहा था कि वो एक मतलब मर्द है। और यहाँ पे मैं से बोल रहा हूँ नहीं भाई, मैं भगवान से प्यार करने वाला, अपना भाई अपनी जान से प्यार करने वाला इंसान हूँ, इतना अहिंसा में नहीं रहता मैं। तो वो हिंसा में नहीं रहता मैं। तो ये बोल रहा है तो ये पूछ रही है भाई वेयर इज़ योर कार, मैं कह रहा हूँ वेयर इज़ योर्स। तो यहाँ पे भाई कार चाहिए, से कार दिलवा दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, उतर बे लड़की को कार चाहिए, जल्दी बैठ जा बेबी। तो यहाँ पे बेबी बैठने लग रही है भाई यहाँ पे, और जल्दी से मैं इसे लेके चलता हूँ, मेरे को जाना कहाँ पर है। और यहाँ पे मैं इससे पूछ रहा हूँ इसका नाम क्या, इसका नाम है कैटलीना। और ये मेरे को बताने लग रही है भाई यहाँ पे, ओ भाई क्या हो गया इसे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बोल रही है कि गॉड्स प्लान, गुड प्लान है, गुड प्लान। और यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर, अच्छा ओके। तो यहाँ पे इसने मेरे को बताया कि भाई डाका डालेंगे हम मिलके, और यहाँ पे जल्दी से डाका मारेंगे, क्योंकि भाई इसे भाई थोड़ी जल्दी रहती है जैसे इसकी बातों से मेरे को लग रहा है, बड़े बोली है यार ये। और इसने मेरे को बताया भाई यहाँ पे चार कॉर्नर इसने मार्क कर दिए, एक बैंक मार्क कर दिया, एक गैस स्टेशन मार्क कर दिया है, और पता नहीं क्या क्या मार्क कर रखा, चार जगह हैं वो। और ये मैं कहाँ पहुँच गया, मेरे को लग रहा है गैस स्टेशन में पहुँच गया, इसी को लूटते हैं चलो। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गैस स्टेशन में, और इसने भाई यहाँ पे बंदूक तान दी इनके ऊपर। और यहाँ पे भाई ये यहाँ पे ओनर कहने लग रहा है कि ये जो भाई ग्लास है ये बुलेट प्रूफ देख रही है ना, इसके आर पार नहीं हो सकता भाई ये बुलेट है ना, तो यहाँ से एक काम करो तुम चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तो उसने बोला दिमाग ख़राब है क्या, हम प्लान चेंज कर लेते हैं, हम भाई यहाँ पे ट्रक में बैठेंगे, कार जल्दी आ जा। मैं कह रहा हूँ क्या बोल रही है, तो ये पागल है क्या। लेकिन भाई ये सुनी नहीं बैठ गई मेरे को, भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अच्छा ओके मेरे को भाई इस टैंकर से अटैच करना है इसको भाई। यहाँ पे मैं टैंकर से अटैच कर लेता हूँ भाई अपने ट्रक को, और यहाँ पे अटैच कर लिया अटैक करके करा। और यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ के गुंडे हैं क्या लोकल, और ये गाली देने लग रहा है भाई। अच्छा बाप बेटे हैं ये तो, बाप बेटे भाई, दुकान के ओनर है भाई ये, वही हैं, तो इनसे क्या डरूँ मैं यार, हंसी आ रही है मेरे को इनको देख के। अबे कहाँ से निकल आया ये, वो स्टंट कर रहा है क्या कोई, हैं फॉलो द ब्लूज। यहाँ पे भाई मेरे को इधर मुड़ना है, कहाँ जा रहा हूँ यार मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को पैरासीटामोल खानी पड़ेगी। अबे यार तुम भाई जल्दी से निकलो यार यहाँ से, मैं इससे पहले कि मतलब इससे पहले क्या ही हो जाएगा, कोई नहीं होगा यार, अपना आराम से चलता हूँ, चोरी तो करी है, कौन सा किसी का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर मेरी हेल्थ दिख रही है भाई, हेल्थ मेरी अच्छी है। और यहाँ पे अबे क्या नहीं करना चाहता है, तो कहाँ है वो पीछे, अबे आ नहीं रहेगा, पीछा कर रहे हैं, लेकिन भाई उनसे ट्रक नहीं पीछा करा जा रहा है यार, बताओ इतना भारी भरकम ट्रक मैं चलाने लग रहा हूँ। ओ भाई क्या मोड़ है यार, मज़ा आ गया। और ये भाई हैंडल नहीं हो रहा है, इतना बड़ा ट्रक है ना ये। ओ भाई 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 नहीं 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 आराम से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे भाई बिल्कुल फीलिंग्स के साथ चलाना पड़ेगा इस ट्रक को ना, कि थोड़ी सी भी चोट ना पहुँच जाए। और यहाँ पे ये मेरा पीछा करने लग रहा है, ले भाई तू आ जा, तू कहाँ है, रुक जा ये अरे 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 गोली चलाओ भाई, इस पर गोली चलाओ, क्या नाम है तुम्हारा, कैटरीना या कैटालीना, जो भी नाम है तुम्हारा। और ये गोली चलाने लग रहा है, इससे पहले भाई हम यहाँ से निकल के आ गए। और यहाँ पे भाई ये बढ़िया सा ट्रक मैं यहाँ पे लेके जाने लग रहा हूँ भाई, कितनी बार बताओ। और भाई हैंडल नहीं हो रहा, ये भी मैंने बता चुका हूँ। और यहाँ पे कहाँ, ओ भाई 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 आ गया यही है भाई, बिल्कुल आहिस्ता आराम से मैं मोड़ूंगा यहाँ पे। और ये मैंने मोड़ दिया, यहाँ पर मैं अपना ट्रक पार्क कर सकता हूँ, ये मैंने अपना ट्रक पार्क कर दिया। और ये कहाँ चले गए, अबे आगे कहाँ चले गए, ओ भाई पेट्रोल पंप फोड़ दिया इनने अपना ही, अपने जैसे ही एक और। और यहाँ पे विटैकर के पास आ गई है, मिस्टर विटैकर के पास, और ये उससे बात करने लग रही है, मैं तुम्हारे लिए ये लाई हुई एक गिफ्ट भाई, बिल्कुल फुल है, बिल्कुल सील पैक है, बिल्कुल ब्रांड नहीं हुआ है, तेरे लिए गिफ्ट है। और ये बोल रहा है कि भाई बहुत बढ़िया, कैश की उपेक्षा मत करना, तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पे बोल रहा है कि भाग यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। तो यहाँ पे भगा दिया इसने मेरे को, हम दोनों को। और यहाँ पे भाई अपना ये टैंकर वैंकर रख लिया, देख लेता भाई बोनस में क्या मिलता है। और ये मेरी बाइक लेके जा रही है, अच्छा बाइक तो लाया ही नहीं था मैं यहाँ पे, कैसे लेके जाएगी मेरी बाइक। तो यहाँ पे भाई चली गई गुड बाय कह के कैटलीना,
यार कैटरीना, ओ भाई $5,000 भयंकर की यार, इतना स्वीट और मेरे को बिग स्मोक ने तो दिए नहीं थे जितना इसने दे दिए यार। ये सही है भाई, ये काम सही है भाई, इसी के साथ मैं भाई बिजनेस करूँगा। अभी ये तो वो है, अबे कौन सा है वो, क्या कहते हैं, अबे वो बैन टैन वाला ट्रक भाई साहब, वो चला। यहाँ पे मैं किसकी गाड़ी उठाऊँ, यहाँ पे फ़ोन बजने लग रहा है, फ़ोन उठाऊँ क्या, चलो फ़ोन उठा लेता हूँ, फ़ोन मैंने उठा लिया है। कार्ल ओके, यहाँ पे भाई ट्रूथ का फ़ोन आया, अभी ट्रूथ कौन है, और मैं ऐसे पूछ रहा है मेरे से, भाई तू मेरे को जानता है, कह रहा है मैं नहीं जानता, और ये मैं पूछ रहा हूँ भाई पुलिस तो नहीं है तू, वो कह रहा है नहीं नहीं म्यूचुअल पार्टनर हूँ, हमारे जो दो आपस के दोस्त हैं ना तुम दोनों, उनके तुम्हारे बीच का मैं दोस्त हूँ। तो ये भाई यहाँ पे बीच का बंदर है, और इससे भाई टेन पेनी मेरे को लग रहा है, और ये बोल रहा है कि मोटल में आ जा एंगल पाइन में, वहाँ पे जाके हम बात करते हैं, वहाँ पे मैं तेरे को बिजनेस दूंगा। तो यहाँ पे भाई एंगल पाइन में इसने मेरे को बुला दिया है, लेकिन भाई मैं अपने घर चलूँगा भाई, अभी मैं इतना फालतू का। अबे क्या हो रहा है ये, एक बार फिर से बैठिए, एक मिनट बाहर आइए बैठियो। अबे रुक जा भाई, इस बाइक में कोई वो अदृश्य शक्तियाँ हैं जो भाई परेशान कर रही है, यहाँ पर अब मैं बैठता हूँ ये। अबे ये बाइक में इसे बैठना नहीं आता, क्या करूँ मैं, अब मैं चलता हूँ भाई। यहाँ पे मेरे घर का रास्ता कहाँ है, एक मिनट घर चलूँ मैं। ओ भाई यहाँ पे घर तो बहुत दूर है यार, यहाँ पे जाना है, इस वाली रोड से जाऊँगा भाई, वो रास्ता मेरे को पसंद नहीं आया था, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे जाना है मेरे को, तो यहाँ पे अपना आराम से चलता हूँ पहले। अबे पीछे है, ओके। तो यहाँ पे अभी तक की कहानी में क्या हुआ कि भाई यहाँ पे एक सीज़र की दोस्त है, मतलब बहन है, बहन भी क्या कह लो भाई, कज़न सिस्टर है, तो भाई उसने मेरे को भाई यहाँ पे एडवाइस दी थी कि भाई उससे मिल लियो, उससे मिलना तेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो यहाँ की थोड़ी गुंडी टाइप है, तो यहाँ पे थोड़े उसके ना वो है नेटवर्क और थोड़ा जान पहचान है, तो तेरे को थोड़ी मदद मिलेगी और इनकम भी हो जाएगी तेरे को अगर तुम साथ में मिलकर चोरी करोगे। मैंने कहा चल मिल लेता हूँ, तो मिल लिया भाई यहाँ पे, बिल्कुल इतनी बड़ी बोली है, इतना भाई पूरे रास्ते इसने मेरा दिमाग खाया भाई, मैं तो परेशान हो गया, लेकिन उसको आदत पड़ी होगी, तो भाई उसने ऐसे कह दिया होगा कि भाई बढ़िया लड़की मिल लियो कोई नहीं, तो मैं मिल लिया, लेकिन भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई पर्सनली भाई, जितना मतलब मेरे को लगता है कि एक लड़की में होना चाहिए वो सब है उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं यहाँ पे भाई अब मेरे को जाना है ये, अब यहाँ पे जाने के लिए भाई पूरा लॉन्ग कट तो मैं नहीं काटूंगा, तो यहाँ पे भाई वो नहीं दिखा रहे जो मेरे को देखना है। अच्छा यहाँ पे पूरा भाई ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, माउंटेन बाइक चाहिए इसके लिए, यही बाइक चल जाएगी क्या, चढ़ जाएगी भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भाई रास्ता आ चुका है बढ़िया करके, अपना खुफिया रास्ता आ चुका है, खुफिया रास्ते से मैं जाने लग रहा हूँ भाई अपने घर की ओर, भाई घर की ओर जाऊँगा, वहाँ पे अपना शांति से चाय पीऊँगा, फिर सोचूंगा भाई यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सिटी है भाई, यहाँ पे मैं पहली बार। ओ भाई ये ट्रक, चलो छोड़ो ट्रक, मैं इतना क्या शौक हो रहा हूँ, कौन सा यहाँ पे गोस्ट राइडर का ट्रक मिल जाएगा मेरे को। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था भाई पहाड़ियाँ चढ़ने लग रहा हूँ मैं अपनी, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था भाई ब्रांड न्यू सिटी है ये अपने लिए, भाई यहाँ पे मेरे जान पहचान के लोग हैं नहीं कि मेरे को जान बचाने आ जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्ती वोस्ती थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तो भाई दोस्ती बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने भाई इसके कज़न से भाई यहाँ पे दोस्ती करी, दोस्ती भी क्या ही करी भाई, मान ली अपने मतलब ऐसे ही है, चलो कोई नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो यहाँ पे मैं आ गया भाई, वो रहा पुल भाई, गायब ना हो जाइए भाई पुल, ये गायब ना हो जाए बस, ये गायब नहीं हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है, अब मैं जा सकता हूँ अपना बढ़िया करके। और ये भाई यहाँ पे कोई जिप्सी सी रखी हुई थी, उसको मैं स्किप करके आगे आ गया, अभी मेरा घर ज़्यादा दूर है नहीं भाई, मेरे घर की कॉलोनी भी पास आ गई है। अबे यार क्यों बज रहा है यार ये, हाँ नहीं तो यार परेशान कर दिया, बुलेट की आवाज़ सुनो यार तुम, ओहो मजा आ गया भाई, थोड़ी देर मैंने भी सुनी आपके साथ और मजा आ गया। तो यहाँ पे भाई अपनी कॉलोनी में मैं पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे मेरा घर कहाँ पर है, घर भी नहीं है यार भाई, थोड़ा सा टीन का डब्बा दे दिया मेरे को रहने के लिए, आपको दिखाता हूँ, आपको भी हंसी आएगी, आप भी हंस लेना मेरे साथ। तो कहाँ है वो, अबे भाई ये फिर से आ गई बैन टैन वाली ये वैन, तो यहाँ पे कहाँ है वो, अबे यार इतना लंबा रास्ता तो नहीं होता वैसे उसका, अभी मेरा घर कहाँ है यार, मैं घर भूल गया अपना, एक मिनट अभी ठीक करके देता हूँ, ये है भाई मेरा घर, मैं वहाँ से कहाँ पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वापस चलूँ मैं, ओके यहाँ पे मेरे को जाना है, यहाँ पे शॉर्टकट है भाई एक, तो शॉर्टकट से मैं चलता हूँ अपने घर की ओर भाई, वहाँ पे जाकर अपना चाय नाश्ता करके अपने सोचेंगे, चाय नाश्ता 7 बज रहे हैं भाई, चाय नाश्ता कहाँ, डिनर करके सोचूंगा भाई अपने अगले दिन के लिए भाई क्या करना है। तो ये है भाई वो केबिन्स, ये भाई ये, एक मिनट अंदर जाऊँ मैं और आपको हंसाऊँ, ये देखो ये दिख रहा है टीन का डब्बा, इसमें मैं रहता हूँ भाई, 6 फीट ऊँचाई है कुल इसकी, और यहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है हंसना मत। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पे रखते हैं, ऐसे ही अमेजिंग और 250 एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहिए, बने रहिए मुमुक्षु के साथ, धन्यवाद।